नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। जैसे तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता, वैसे ही भगवान की भक्ति के बिना कोई भी खुशी आसानी से नहीं मिल पाती। तो इसीलिए सदैव भगवान का सिमरन करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं राशिफल की, और ऐसा राशिफल जो पूरा साल आपको आईने की तरह आपके सामने रहेगा। नया साल 2023 कैसा रहने वाला है, हर किसी की उत्सुकता होती है, हर किसी को क्रियोसिटी होती है। हर राशि का हाल हम अपने से YouTube चैनल पर बताएंगे। आज पहली राशि की बात करेंगे, मेष राशि की बात करेंगे कि साल 2023 आपके जीवन में कितनी खुशियां लेकर के आएगा, कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिसका सामना आपको डट करके करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी परेशानी है जिसका हल आपको आसानी से मिल जाएगा, और कौन सी ऐसी अचीवमेंट डेवलपमेंट है जिसके लिए आपको तत्पर रहना होगा मेहनत के लिए। तो हर तरीके से आपके राशिफल का हाल आप ही के इसी YouTube चैनल पर। मेष राशि की बात करते हैं। एरीज यानी नए साल 2023 में बहुत सारे ग्रहों के बदलाव होंगे। शनि की स्थिति बदलेगी, गुरु की स्थिति बदलेगी, मंगल की स्थिति बदलेगी, राहु और केतु भी बदलेंगे घर। तो क्या हमारे जीवन में कहीं उथल पुथल तो नहीं मचाएंगे? अब मेष राशि की बात करते हैं तो लग्नस्थ राहु है, यानी लग्न में ही राहु चल रहे हैं। और राहु कैसे हैं? भटकाव देते हैं, किसी भी विजन को क्लियर नहीं होने देते हैं, उथल पुथल मचा करके रखते हैं, क्योंकि लग्नेश भी रेट्रो यानी मंगल रेट्रो अवस्था में है। तो ऐसे में कहाँ संभलने की ज़रूरत है। पर क्या 2023 पूरा साल ही ऐसा रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2023 आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आने वाला है। व्यापार की बात सबसे पहले करते हैं, क्योंकि हर किसी की रोजी रोटी का जरिया होता है उसका इनकम सोर्स, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो बिजनेस हो। तो बिजनेस हो या सर्विस हो, तो कैसे आपने तालमेल बना करके रखना है ताकि 2023 में आपको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। अगर कोई परेशानी आए तो उसे आप बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर सके। व्यापार की बात करते हैं तो डेफिनेटली अप्रैल के बाद में आपके जीवन में ग्रोथ के चांसेस हैं, यानी आपका ग्रोथ जो है वो पहले से बेटर कंडीशन में होगा, अच्छा व्यापार होगा। अगर डाउनफॉल देखा है, फ्लक्चुएशन देखी है, तो यहां आपको कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है। अगर हम सर्विस की तरफ चलते हैं तो आपके प्रमोशन भी दिख रही है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं बदलाव भी दिख रहा है, यानी आपकी चेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। और धन की बात करते हैं तो धन में बढ़ोतरी के चांसेस हैं, यानी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भी धन के मामले में भी ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हल्की फुल्की कुछ समस्याएं आपको बीच बीच में कहीं घेर सकती हैं, जैसे सितंबर अक्टूबर में जाकर के कुछ फ्लक्चुएशन का समय हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये वो समय नहीं होगा जैसा आपने कभी अपनी ज़िंदगी में फेस किया होगा। ये वैसा समय नहीं होगा जिसने आपको हिला करके रखा होगा। ये वैसा समय होगा कि एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आपके गाड़ी चलाते चलाते रास्ते में आया, और अगर आप ध्यान से उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप बिना देखे बिना सोचे समझे जंप मार करके निकलेंगे तो कहीं भी सर फटने की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ आपको रहने की ज़रूरत है अटेंटिव। हमेशा ये ध्यान रखिए कि ज्योतिष आपको हमेशा अवेयर करता है, आपको हर्डल्स से बचाता है, आपके हर्डल्स का सामना आपके सामने करवाता है कि आप इस हर्डल से बहुत ही सुरक्षित होकर के निकल करके अपने जीवन को सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ डर की बात नहीं है, यहाँ थोड़ा सा समझने और संभलने की बात है। तो आपने
ध्यान रखना है, कुछ छोटी छोटी परेशानियां आपको घेर सकती हैं, लेकिन अपने मनोबल को आपने गिरने नहीं देना है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि धन तो ठीक है लेकिन हेल्थ अगर गड़बड़ होती है तो इस धन का आनंद ही आप नहीं ले पाएंगे। यानी पैसा तो कमा करके घर में लाया लेकिन बिस्तर पे पड़े रहे तो क्या आनंद मिला आपको उस पैसे का। तो स्वास्थ्य भी सर्वोपरि होता है, यानी जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए धन कमाना है उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य होता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ये फ्लक्चुएशन चल रहा था आपका, इरिटेट हो रहे थे, छोटी छोटी बातें आपको तंग कर रही थी और आप स्वयं भी तंग हो रहे थे तो दूसरों को भी कर रहे थे, और बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर भी लग रहे थे, मेडिसिन के जो पैकेट है वो हमेशा आपके घर में भरा रह रहा था। तो आपको इससे भी निजात मिलेगी। अप्रैल के बाद में आपको यहाँ भी थोड़ी सी सहायता मिलती हुई नज़र आ रही है, यानी आपके हेल्थ में बेटर रिजल्ट आने वाला है। एंजाइटी आपकी दूर हो सकती है, डिस्टर्बेंस आपकी दूर हो सकती है, जितना इरिटेट आप हो रहे थे अपनी हेल्थ को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ये बीमारियां जो हैं ये निकलती हुई नज़र आ रही है, यानी ये लंबा समय आपका पीछा नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको मिडल में जा कर के फिर से साल के मिडल में थोड़ी सी आपको कुछ इन्फेक्शन इस काइंड की थोड़ी सी बीमारी आपको घेर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। लेकिन उस समय आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कि कोई पुरानी बीमारी है जो दोबारा से मुझे इरिटेट करने लगी है, तो इमीडिएट आपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, ना कि खुद डॉक्टर बन करके अपने घर में बैठ जाना कि चलिए एक बार बीमारी गई तो बस गई, दोबारा नहीं आ सकती। तो कहीं ना कहीं आप उस चपेट में फिर से आने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन ये वैसी कंडीशन नहीं होगी जैसी कंडीशन आपने पहले कभी फेस की थी, वैसी एंजाइटी नहीं होगी जैसा आपने कभी पहले फेस किया था। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम आपकी हेल्थ को लेकर के बात कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ ही नजर आए, जितनी पहले एंजाइटी आपने झेली है उतनी एंजाइटी नहीं, बट बीच में मिडल में जा करके थोड़ी सी परेशानी आपको कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। अब क्योंकि कुछ ग्रहों के बीच में चंडाल योग भी बनेंगे, कुछ ग्रह फिर से रेट्रो भी होंगे, कुछ मार्गी भी होंगे, तो ये कुल मिलाकर के सिचुएशन जो है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते ही हैं। ओवरऑल करियर की बात कर लेते हैं कि जैसे हमारी इनकम जो है कितनी बढ़ सकती है, और ये सिर्फ बड़ी सर्विस या छोटी सर्विस की बात नहीं, बात ये है कि क्या स्टेबिलिटी रहेगी हमारे करियर में, क्या हमें ऐसा तो नहीं है कि बार बार नौकरी लगी हुई छूट जाए, या फिर हमने काम खोला तो दुकान ज़्यादातर बंद ही रहती है, गाड़ी का बिजनेस तो कहीं स्टक ही रहती है, गाड़ी यानी सर्विस सेंटर पर ही जा करके खड़ी है, तो क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं आपके साथ बने। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार नया वर्ष 2023 आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे पल लेकर के आता हुआ नज़र आ रहा है, यानी स्टेबिलिटी को नज़र दे रहा है, स्टेबिलिटी को ग्रीन सिग्नल देता हुआ नज़र आ रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़िंदगी में पहले जैसी फ्लक्चुएशन नहीं होगी, इनफैक्ट बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है समय। जैसे जैसे ग्रहों के बदलाव होते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में कुछ अच्छी स्टेबिलिटी के भी इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। परिवार की बात कर लेते हैं, प्रेम की बात कर लेते हैं, अपने सगे संबंधियों की बात कर लेते हैं। अब रिलेशन्स बिगड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ घर वालों के साथ ही बिगड़ते हैं, रिलेशन्स बिगड़ते हैं तो आपके अपने अपोजिटर्स के साथ भी बिगड़ जाते हैं। रिलेशन्स बिगड़ते हैं जब आपके ग्रह साथ नहीं देते हैं तो आपके हर तरफ रिलेशन्स कहीं ना कहीं खराब होने लगते हैं। तो सारा दौरमदार तो आप व्यक्ति विशेष आ जाता है, यानी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से प्रथम भाव, पहला भाव आपका स्वयं का रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपको ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बेवजह नहीं उलझना है किसी से। जबकि पहले जैसी सिचुएशन नहीं होगी, पहले आप ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे, पहले आप छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, अब आप माइंड गेम भी खेलेंगे, चलाक हो जाएंगे, थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलेंगे, यानी झगड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिचुएशन को संभालने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर कंडीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है,
उनके स्वास्थ्य को आप सेकेंडरी ना बनाइएगा कि घर में है कोई बात नहीं ठीक ही हो जाएंगे, थोड़ा मेडिसिन प्रोवाइड करा देते, नहीं, थोड़ा सा अटेंटिव रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। उनकी हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ी सी परेशानी घेर सकती है और हो सकता है आप मदर के गुस्से का शिकार भी हो जाए। भाई ठीक है, माता जी हैं, कोई बात नहीं, गुस्सा तो जायज़ है, उनका चलता है, तो आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है इस बात को कि अगर उन्होंने गुस्सा कर दिया है तो आपने इस बात को तूल नहीं देना है, बात को बढ़ाना नहीं है, तो ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में भी कुछ तालमेल बना करके रखने की ज़रूरत है, लेकिन अभी अगर कोई पुराना डिस्प्यूट चला आ रहा था तो उसे सॉर्ट आउट होने में भी आपको मदद मिलेगी। 2023 में आपकी ये सिचुएशन, जो ख़राब सिचुएशन थी, वो सिचुएशन अभी बेटर होगी। शादी की बात आप चला सकते हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो बड़े आसानी से मिल सकता है आपको पार्टनर, और अच्छा पार्टनर मिल सकता है। तो आपके लिए कुल मिलाकर के जब हम साल 2023 की बात कर रहे हैं तो साल 2023 काफ़ी हद तक आपके जीवन में खुशियों की दस्तक देता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपने मनोबल का बना के रखना है, कुछ महीने स्टार्टिंग के आपने ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी पूरा साल सारे ग्रह आपका ध्यान स्वयं रख लेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखिए, अपने जीवन को सरल बनाइए, सभ्य बनाइए, और अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए। कर्मों के थोड़े से अपने खाते जो है वो ज़रूर खोल लीजिए, यानी जैसे हम FD के लिए अपने पैसों के खाते खोलते हैं, ऐसे थोड़े से कर्मों के खाते खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक रेट्रो है ये प्लैनेट तो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, और मिडल में जाकर के आपका गुरु चंडाल योग भी बन रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अदरवाइज देखा जाए तो 2023 आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है। कर्म अच्छे कीजिएगा, दान पुण्य ज़रूर कीजिए। मंगलवार के दिन आपने ज़रूर छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ मिठाई मिष्ठान ज़रूर देते रहना है, बस इसका ध्यान रखिए, और 2023 को आपने बहुत ही खुशनुमा बनाइए। मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार।